एक होर बच्चे दे अज मैनू वेरीफिकेशन आई है, पटवारी लगा सी काफ़ी टाइम तो, काफ़ी टाइम तक ज्वाइन हो चुका सी पर वेरीफिकेशन इस बच्चे दे अज आई है। तो जिवें इस तरह का एक लैटर गवर्नमेंट वालों सानू इंस्टीट्यूट में ही आता है, तो नाल ही बच्चे के जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट से उन्होंने दिए थे, डीएमसी तो डिप्लोमा दोनों ये नाल ही उन्होंने अटैच करके सानू भेजे आ। ये उत्ते लिखा हुआ बस ये रिप्लाई करनी है, असं यदि जिम्मेवारी लैनी बच्चे की भी बच्चा साढ़े को पढ़ के गया, जेन्युइननेस चैक करने वास्ते गवर्नमेंट वेरीफिकेशन करती है। बहुत बच्चे कमेंट करते सानू दसो भी वेरीफिकेशन होनी किमें आ, बस जब हम मेरी इतने बिल्डिंग जो ना होंगी तो लैटर मेरे को नहीं पहुँचना सगा, तोड़े इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग उत्थे होनी चाहिए है, जो थोड़ा सेंटर बंद हो चुका तो वो वेरीफिकेशन नहीं होनी। दो तरीके ना गवर्नमेंट वेरीफिकेशन करती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बच्चे बहुत ज्वाइन हुए क्लर्क के पटवारी भी, पर बहुत बच्चों की वेरीफिकेशन नहीं भी आई, ठीक है। वो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन ही वैबसाइट पर जाके रिकॉर्ड चैक कर लिया बच्चे का, तो जिते गवर्नमेंट ऑनलाइन चैक नहीं करती उत्थे सानू ये लैटर आ जाते हैं, जो असं रिप्लाई करते हैं। बस ये बस एक सिंपल गवर्नमेंट वालों पेज होंगे जितने उन्होंने बच्चे बारे डिटेल होंगी है, तो नाल ओरिजिनल सर्टिफिकेट भेजे सानू उन्होंने, बहुत वाला लिफाफा से जिदे पा के उन्होंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोनों भेजे आ, इसे असी दोबारा पैक करके आपके नाल रिप्लाई लिख के गवर्नमेंट फिर असी स्पीड पोस्ट करांगे। इस ऑफलाइन वेरीफिकेशन कहने जो उस इंस्टीट्यूट के लैटर आता इन ऑफलाइन कहेंगे, जो डायरैक्ट गवर्नमेंट वैबसाइट पर जाके, क्योंकि सर्टिफिकेट के उपर भी वैबसाइट मैनशन होंगी है, वो तो उपर जाके भी बच्चे की जेन्युइननेस चैक कर सकता भी बच्चे का रिकॉर्ड साढ़े इंस्टीट्यूट है कि नहीं है। गवर्नमेंट वैबसाइट तो जाके QR स्कैन लगा हुआ सर्टिफिकेट के उपर, इन जाके गवर्नमेंट चैक कर सकती होंगी है, तो जी ऑफलाइन हैगी सू लैटर आना रिप्लाई इंस्टीट्यूट ने करनी होंगी है। इस करके आपने आप को आपके सेंटर में चैक करना है कि वो सेंटर उत्थे मौजूद होना चाहिए, वह एड्रैस चेंज ना हो, ना भी थोड़ा लैटर उस इंस्टीट्यूट के पहुंचे ना, ठीक है। इस करके ध्यान रखना है, थोड़ा सेंटर ओपन होना चाहिए, तो वैबसाइट भी ओपन होनी चाहिए, चलती होनी चाहिए, जो सेंटर ओपन है तो वैबसाइट भी चलती होएगी। जो कल्ली वैबसाइट हैगी है तो गवर्नमेंट ने लैटर उस इंस्टीट्यूट में भेजता तो इंस्टीट्यूट तो उत्थे पहुंचा ना, तो प्रॉब्लम आ सकती होंगी है। इस करके दोनों चीज़ों आपका ओके रखना है, ऑफलाइन तो ऑनलाइन, ठीक है। थैंक यू।